आपके साथ उल्टा हुआ, आपको स्पोर्ट्स में पुश किया, सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू कूप अप विद द आइडिया, बिकॉज यू ऑलवेज वांटेड, यू हैड अ ड्रीम एंड दैट्स आल्सो इन अ चाइल्डहुड, तो उस चाइल्डहुड बच्चे का जो ड्रीम होता है कि एयरफोर्स पायलट बनना है, तो सडनली फोर्स पर्सन बनना बनाने का जो फैसला था, तो उसको आपने कैसे अडॉप्ट किया एज अ टाइम पास? आपने स्टार्ट किया 2-3 ईयर्स के लिए, फादर ने टाइम भी दे रहा था, तो कितनी सीरियस थी उन 2-3 सालों में आप? एक्चुअली मैं बस ऐसे टाइम पास के लिए खेली थी, लेकिन एक टाइम क्या हुआ, हमारे बहुत फिनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दी, बहुत ज़्यादा, तो लेकिन पापा ने उसकी वजह से मतलब मेरे गेम में या मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं रखा, बट मुझे फील हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स है, वो चल रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो एयरफोर्स बनने के लिए यू नीड यू नो सेविंग्स, बहुत बहुत कुछ चाहिए होगा जो शायद मेरे पापा शायद फ्यूचर में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट मुझे तो फील हुआ कि मैं अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनती हूँ तो ये पापा का ड्रीम है, तो मैं अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनती हूँ तो ये पापा को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जो टेंशन था उनको या जो भी था, तो अगर मैं उनके ड्रीम में ड्रीम एक्सेप्ट करती हूँ तो वो हैप्पी होंगे, He'll be happy. तो मैंने उस हिसाब से उनके जो ड्रीम्स हैं मैंने उनको अपनाया, और थोड़ा टाइम लगा था बट इट्स ओके, बिकॉज मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, तो आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उनके वजह से ही हूँ, तो उनके लिए मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैंने पापा को, पापा ने जो कहा वही मैंने एक्सेप्ट किया, मैं यही हूँ।